पूरा हिंदुस्तान क्यों कर रहा इस बेटी के जज्बे को सलाम, इस बेटी की हिम्मत को हर कोई क्यों दे रहा दाद, सीमा को देखकर हर कोई क्यों हो रहा दंग, क्यों आज पूरे देश में गूंज रहा सीमा का नाम। हमें पूरी उम्मीद है बहुत से लोगों ने वायरल हो रही इस वीडियो को कई बार देखा होगा, बार बार देखा होगा और जब भी देखा होगा बोला होगा वह सीमा बेटी वह। जानते हैं क्यों? क्योंकि तस्वीरों में दिख रही ये बच्ची एक टांग पर कूद कूद कर ही स्कूल जाती है। आज उसकी एक टांग ही उसकी हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत है। कहाँ की ये बेटी है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, इस बेटी की कहानी क्या है, सब बताएंगे आपको। हर शख्स को इस 10 साल की बेटी की कहानी जरूर सुननी और ध्यान से देखनी चाहिए, खास तौर पर वो जो नीति को अपनी तकदीर मानकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं। वो इस खबर को जरूर देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि अगर इस खबर को पूरा देखेंगे तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी भी चंद मिनटों में बदल जाए। आखिरकार क्यों बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद से लेकर बिहार सरकार तक इसकी मदद के लिए बाहें फैलाकर खड़े हैं, पूरी खबर बताएंगे। उससे पहले याद कीजिए, हाल ही में हमने आपको सोनू की एक खबर दिखाई थी, वो सोनू जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, पूरी दुनिया ने वीडियो देखा तो लोग मदद के लिए आगे आए। बिहार के सीएम के सामने सोनू आंखों में आंखें डालकर बोला था, सीएम साहब मुझे पढ़ना है। जी वही नालंदा का सोनू जब सीएम से मिला तो हर किसी ने उसकी हालत पर तरस खाया और आज सीमा की कहानी भी कुछ ऐसी ही लगती है। चलिए आप जान लीजिए इस हिम्मत वाली बेटी की दास्तान भी। जुमई के फतेहपुर गांव में पैदा हुई सीमा, बचपन से ही स्कूल में पढ़ने वाले अध्यापक उसे अच्छे लगते थे, सपना देखा कि बड़े होकर वो भी टीचर बनेगी, मगर किस्मत को तो कुछ और मंजूर था, किस्मत ने खेल खेला। 8 साल की उम्र में सीमा को एक हादसे में अपना पैर खोना पड़ा। आलम यह है कि लंबे वक्त तक बेड रेस्ट पर ही रही, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी, वो एक टांग के सहारे अपनी जिंदगी की छलांग लगाते लगाते अपने स्कूल की ओर दौड़ती गई। बस इसी उम्मीद के साथ वो एक ना एक दिन अपना सपना साकार जरूर करेगी, टीचर जरूर बनेगी। सीमा का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हर कोई दंग हो गया। सोनू सूद सामने आए और ट्वीट कर लिखा, अब ये एक नहीं अपने दोनों पैरों पर कूद कूद कर स्कूल जाएगी, टिकट भेज रहा हूँ। चलिए अब दोनों पैरों पर चलने का समय आ गया है। यहाँ सोनू सूद ने ट्वीट किया तो अपनी किरकिरी होते देख बिहार सरकार की भी नींद खुली। बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह सीमा से मिलने पहुंच गए, यानी सोनू की तरह ही सीमा भी है। मगर एक सच और भी है, वो भी देखिए। याद कीजिए बिहार की ज्योति को, थोड़ी याददाश्त पर जोर डालिए। जी ये वही ज्योति है जो गुरुग्राम से बिहार तक अपने पिता को साइकिल से लेकर पहुंची थी, उसकी खबर भी मीडिया पर खूब वायरल हुई, खूब सुर्खियां बनी। मगर आज ज्योति कहाँ है किसी को नहीं पता। खबर आई थी कि बीते साल उसके पिता की मौत हो गई थी। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार की मिट्टी में टैलेंट है, मोटिवेशन है, ज्योति भी है, सोनू भी है और सीमा भी है। बिहार के हर गांव में टैलेंट ही टैलेंट है और ना जाने कितना टैलेंट अभी गुम है, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो एक पैर के सहारे स्कूल जाती थी, लेकिन अब सोनू सूद उसके अरमान पूरे करने जा रहे हैं। सीमा टीचर बने या ना बने, लेकिन आज सीमा की कहानी ना जाने कितने लोगों को आईएएस आईपीएस बनने पर मजबूर कर देगी। जिन लोगों के लिए खबर छोटी है तो जरा सोच कर देखिए कि किसी इंसान का एक हाथ ना हो, एक टांग ना हो तो जीना कितना दूभर हो जाए। तभी तो कहते हैं कि दिव्यांग का दर्द वही समझ सकता है जो खुद झेलता है। तो चलिए उम्मीद है, आशा है और पूरा का पूरा यकीन है, क्योंकि देश की शुभकामनाएं आशीर्वाद आज इस बेटी के साथ है। ऐसे में पूरा यकीन होना चाहिए कि सीमा अपने सपने को साकार करेगी और टीचर बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।